News 18, India. यूएई में ये सबसे बड़ा पहला हिंदू मंदिर बनकर के तैयार है। उद्घाटन इसका होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी। और इस मौके पर हमारे सहयोगी अमन चोपड़ा ने गायक सोनू निगम से खास बातचीत की है, उनकी भी राय सुनी। बहुत भव्य सोनू जी, बहुत भव्य, मतलब लग रहा है जैसे अयोध्या आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं अभी तो मैं अंदर जाऊंगा जी जी जी, पर बाहर से मैं देख रहा हूँ ये तो कुछ बहुत ही अलग दुनिया है। और बहुत खुशी की बात है कि दो देशों में इतना अच्छा सद्भाव है, ऐसे ही होना चाहिए। एमिरेट्स यूएई का जो प्यार जो दिख रहा है इसमें, और जो हमारे देश का जो गुडविल हमारे देश की जो बनी है, इससे हम किसको खुशी नहीं होगी। मुझे बड़ी खुशी हो रही कि इतना अच्छा ज़माना हम और आप देख रहे हैं और हम ये सौहार्द देख पा रहे हैं। और ये एक मुझे बता, आपको जाना है, मैं देरी भी नहीं होने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी ये सौभाग्य इसके उद्घाटन का भी, अयोध्या भी और अबू धाबी भी। वो युग पुरुष आदमी है, वो आदमी अलग हैं। और हम ये बात जो अभी मान ले वो मान ले, जो नहीं मानेंगे उनको बाद में बहुत इस बात को दुख होगा कि एक ऐसा आदमी है जो उसका कुछ और काम ही नहीं है। ना कोई आदमी चिल करता है, ना कोई फ्रेंड सर्कल है, ना कोई फैमिली है। आप सोचिए, मतलब हम सबको ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी किसी दोस्त की या किसी उसमें। तो ये आदमी अलग है, ये आदमी चाहते हैं कि भाई हमारे देश का नाम दुनिया में हो, तो बड़ी अच्छी बात है। मुझे बहुत कुछ ये सब जो चीज़ें हैं, ये लोगों का जो हमारे देश में जो पॉजिटिविटी है सब धर्मों को मानने की, वो सब अब बाहर भी सब दिख रहा है। तो बड़ी सुनो जी, अभी मैं आपके साथ चल रहा हूँ, एक तरफ गंगा जी हैं, एक तरफ यमुना जी है, और हम सरस्वती पे चल रहे हैं। सरस्वती जी हाँ, वो भी इसको चल रहे हैं। तो पिछले एक साल में 5 उच्च स्तरीय दौरे हुए। जुलाई 2023 को यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से मिले। अब आप ये समझिए कि कूटनीति का ही ये असर है कि 2015 के बाद कितने दौरे हुए हैं, एक एक करके आपको बता रहे हैं। 30 नवंबर 2023 को COP28 में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी दुबई पहुंचे। यूएई के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम से पीएम मोदी ने मुलाकात की। सितंबर 2023 में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने G20 सम्मेलन के लिए भारत पहुंचे। G20 सम्मेलन में यूएई को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया गया। जनवरी 2024 में 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। गुजरात दौरे के समय भारत यूएई के बीच कई समझौतों पर सहमति भी बनी। भारत के समर्थन से यूएई 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में सदस्य के रूप में शामिल भी हुआ। सीमा पर लेन देन के लिए रुपए और दिरहम के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमति बनी। साल 2022-23 में यूएई 3.5 अरब डॉलर का निवेश करने वाला चौथा देश बना। जनवरी 2024 में पहला भारत यूएई द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में आयोजित किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग और निवेश पर दोनों देशों के बीच समझौता भी हुआ। अबू धाबी में ये जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया है, इसमें हर चीज का खास ख्याल रखा गया है। मंदिर के पास बेहद खूबसूरत घाट भी बनाए गए हैं, जो लोगों को निश्चित रूप से भविष्य में लगातार आकर्षित करते रहेंगे। मैं हूं जहां पर, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पीछे आपको लग रहा हो जैसे किसी घाट पर बैठा हूं मैं। ये जो घाट, वाराणसी के घाट जिस तरह से बनाए गए हैं, और ये गंगा जी बहती हुई, माँ गंगा बहती हुई वाराणसी का घाट, ये आपको अचंभा होगा जानकर कि मैं अबू धाबी के उस मंदिर में हूं जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 14 फरवरी को किया जाएगा। देखिए ये खास क्यों है, पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे, जैसे वाराणसी में घाट बनाए जाते हैं ना, कुछ उसी तरह का भाव यहां पर देने की कोशिश की गई। और ये कलकल बहती माँ गंगा, बताया गया कि माँ गंगा और यमुना जी का पानी विशेष तौर पर लाया गया। गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती जी, सरस्वती प्रकाश के रूप में मंदिर में आती हुई, गंगा जी, यमुना जी। मंदिर के एक तरफ अगर आप देखेंगे, राइट हैंड साइड गंगा जी, लेफ्ट हैंड साइड यमुना जी बहती हुई, और ये गंगा जी का पानी और ये पूरी तरह से घाट का रूप इसको दिया गया है। तो अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर की भव्य तस्वीर न्यूज 18 इंडिया आपको दिखा रहा है। मंदिर के अंदर 402 पिलर लगे हुए हैं। मंदिर के मुख्य मंडप का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। देखिए, हुई है सोई जो राम रची राखा, कहते हैं जो वो होना वही है जो प्रभु राम चाहते हैं। बाहर हुई बारिश, अंदर जाना अलाउड नहीं था, लेकिन अब जो है मंदिर के अंदर एंट्री हो गई है। ये वो पहले दर्शन आप कर रहे हैं। मैं कैमरामैन प्रदीप को कहूंगा तस्वीरें बहुत ध्यान से दिखाएं। 402 पिलर्स हैं इसके अंदर, 402,
और इटालियन मार्बल का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। ये वो मुख्य मंडप जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। ये वो मुख्य मंडप है और ये यहाँ पर 402 पिलर, ये वो मुख्य मंडप है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी का उद्घाटन किया जाएगा। खूबसूरत नक्काशी और इसमें जो सनातन धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, जो महापुरुष हैं, जो भगवान हैं, उनको उकेरा गया। तस्वीरें देखिए, वाकई मन मोह लेने वाली तस्वीरें। मतलब अयोध्या के बाद संभवतः ये पहली बार होगा कि इस तरह का मंदिर, और ये बताया जा रहा है कि इकलौता ऐसा मंदिर जिस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया इसमें। लेकिन इसमें भी बताया गया कि नागर शैली से मंदिर तैयार किया गया है और इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि इसमें ब्रिक्स जो है 18 लाख के करीब ब्रिक्स इस्तेमाल की गई हैं। गुलाबी पत्थर 1,80,000 क्यूबिक फीट और 50,000 क्यूबिक फीट मार्बल इसमें इस्तेमाल हुआ है। हाइट जो है वो 108 फीट की हाइट है इसके अंदर। और ये वो मुख्य मंदिर। और अबू धाबी के इस दिव्य और भव्य मंदिर में कुल मिलाकर 7 शिखर हैं। मंदिर में रखी गई मूर्तियों को बेहद खूबसूरती से रचा गया है, जैसे ये जीवंत हो उठी। 7 शिखर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, ये अब आप देखेंगे जो प्रभु राम, इसके अलावा प्रभु राम, माता सीता, माता भगवान लक्ष्मण और बजरंगी आपको विराजमान होते नजर आ रहे हैं। पूरा राम दरबार, ये शिखर नंबर 1। इसी तरह से इस मंदिर के अंदर 7 शिखर बनाए गए हैं। 7 शिखर का मतलब 7 अलग अलग शिखरों में अलग अलग, एक में महादेव, माता पार्वती, राधा कृष्णा, प्रभु राम, माता सीता, भगवान अयप्पा, बालाजी। इसी तरह से 7 अलग अलग शिखर इसमें बनाए गए। अगर आप मेन एंट्रेंस की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब आप समझेंगे कि जो एक तो मैंने आपको दिखाया डोम ऑफ हार्मनी, ये है डोम ऑफ पीस। ये अगर आप ऊपर की तरफ दिखाएंगे, ये डोम ऑफ पीस कहा जाता है, यानी कि जब यहाँ पर कोई भी आता है तो वो भगवान से शांति के लिए आता है, शांति की प्रार्थना। तो ऊपर जो मूर्तियां उकेरी गई हैं वो भक्तगण हैं। मुझे बताया गया कि ऊपर की तरफ भक्तगण हैं, जो भक्तगण भगवान से मांगेंगे। कैमरामैन प्रदीप को अगर दिखाऊंगा मैं, क्योंकि अभी मंदिर के ये वो मुख्य द्वार है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। ये वो मुख्य द्वार, मंडप, उसके बाद डोम ऑफ हार्मनी, फिर उसके बाद डोम ऑफ पीस,